हेलो हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप दोस्तों? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हम ऑलमोस्ट रोज़ ही लाइव आते हैं और आपके पहले 10 लोगों के सवालों के जवाब देते हैं। और अब हमने सुपर चैट भी शुरू कर दिया है, तो अगर आप पहले 10 लोगों में नहीं आ पा रहे हो तो आप सुपर चैट कर सकते हो। सुपर चैट करके आप अपना सवाल ज़रूर पूछ सकते हो, राइट? सो पहले 10 लोगों के सुपर चैट, या हम कहेंगे जो सुपर चैट है वो भी हम जवाब देंगे। सो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की श्रृंखला आवाज जवाब सवाल और जवाब की। लेट्स स्टार्ट। सॉरी, ऑलराइट, नाउ लेट्स जस्ट, दैट्स ओके। अब मैं क्वेश्चंस देख लेता हूँ। ओके, डार्क कलर है लिप्स के किनारों पे, व्हाट टू डू? सर, सिगरेट पीना बंद करो अगर पीते हो तो। और दूसरा नंबर की चीज़, लिप्स के किनारे पे जो डार्क कलर होता है, दैट इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ सम इरिटेशन, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, राइट? एनी काइंड ऑफ इरिटेंट विच यू आर टेकिंग और कीपिंग हेयर, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो इरिटेशन वहाँ से बंद करिए, लिप बाम लगाइए हेल्दी, उसको लाइट स्क्रबिंग कर सकते हो, राइट? यू कैन जस्ट वॉश इट लाइट लाइट, वेरी लाइट, वेरी 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 लाइट, एंड यू कैन जस्ट स्टिमुलेट इट, राइट? कीप इट मॉइस्ट, पानी ज़्यादा लगा के रखो, पानी ज़्यादा पियो। राधे राधे कृष्णा जी, और सब लोग बढ़िया रहिए, अपना बढ़िया खाना पीना खाइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, मेरे को घबराहट बहुत होती है क्योंकि बात सुना लो, कोई भी बात सुना लो एकदम मेरा डाइजेस्ट सिस्टम ख़राब हो जाता है और ऐसा लगता है कि सारी मेरी जान नहीं रही। सर, मैं ऐसी बहुत परेशान हूँ, आप कुछ बताओ। हनी जी, ये तो बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, मतलब हो सकता है आपको सिर्फ खून की कमी हो, थायराइड की कमी हो, हो सकता है आपको पानी ही कम पीते हो, डिहाइड्रेटेड हो। सो ऐसे देखने बताना बहुत मुश्किल है, आप एक बार हेल्थ चेकअप कराओ। आपके अंदर कुछ तो कमी है जिसके वजह से आपको इतनी आसानी से घबराहट हो रहा है। हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, शौड़ा फलाना ढमकाना, बहुत कुछ हो सकता है। यू नीड हेल्थ एग्जामिनेशन, राइट? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरसिमरन जी, सर नाइट फॉल्स, पहले स्टार्ट करो हेल्दी डाइट, हेल्दी एक्सरसाइज, लिव अ हेल्दी लाइफ, राइट? अन्नी जी, सर नाइट फॉल 24 वाटर, सर नाइट फॉल है 24 साल का मेल पर्सन, वाटरी कलर का नाइट फॉल है और स्पर्म लम्ब्स, जैसे लैक ऑफ स्पर्म, बट यू टेल नाइट फॉल इज गुड, हार्मोन ज़्यादा है तब है, नहीं तो हार्मोन ज़्यादा नहीं तो वाटरी जैसा हो लगता। ऐसा कुछ नहीं है जनाब, लगता मैं किन्ना सोचते हो, मतलब इन्ना सोचने की जगह जो तुम एक्चुअल रिसर्च कर लो माड़ा मोटा तो सब समझ जू गया है ना। इन्ना सोचते हो कि गाढ़ा है प्रीकम तो हो सकता है टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है, लाइट है इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन कम हो गया मेरा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? देखो, जब आप मैस्टरबेट कर लेते हो तो पूरा का पूरा स्पर्म नहीं निकल जाता, थोड़ा सा रह जाता है, सेकेंड टाइम वो वॉश आउट होता है जब आप यूरिन पास करते हो। अगर आपने सेकेंड टाइम मैस्टरबेट किया या सेकेंड टाइम एक्साइट हो गए तो प्रीकम आ जाएगा, वो थोड़ा सा वो लगा हुआ स्पर्म भी साथ में ले आएगा। सो दैट इज़ नॉर्मल, इवन प्रीकम में थोड़ा स्पर्म हो सकता है और ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। प्रीकम गाढ़ा हो, वॉटरी हो, कैसा भी हो, यू डोंट हैव टू वरी। अगर आपको जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, तो आपको इन्फेक्शन हो जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है, वरना नहीं, राइट? एंड ऑफ दिस टॉपिक। हर्निया हुआ है, जिम करता कर सकता हूँ? कर सकते हो जिम में, हर्निया पहले ट्रीट करा लो। मनी ट्रैक जी, हर्निया वाला वीडियो देखिए, हर्निया ट्रीट करना पड़ेगा जिम जाते समय, हर्निया के लिए अब आपको हर्निया बेल्ट लेना पड़ेगा। वैसे हर्निया प्रिवेंट करने में कोई काम नहीं है बेल्ट का, लेकिन हो गया है तो हर्निया बेल्ट पहन के जिम कर सकते हो, लाइट वेट। सर दुख रहा थोड़ा सा, प्लीज सिग्लोसिबान के बारे में बताइए, सिलिगोसिबान के बारे में बताएं गिरीश जी को। ये सिग्लोसिबान एक बेसिकली सिलेक्टिव ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, राइट? और ये एक मेडिसिन हो गई, राइट? सो इसके बारे में हम क्या बताएं, यानी इसको आपने लव ड्रग, लव, ये टोटली नया वीडियो होगा दोस्त, ऐसे कोई भी नए नए टॉपिक के बारे में मत पूछो हमसे, इट इज़ नॉट गुड, राइट? और इट्स बेसिकली क्या बोल सकते हैं, जिसको
नहीं आता है ऑर्गेजम, कुछ लोगों को वो देते हैं स्प्रे एंड ऑल, राइट, उससे थोड़ा बेटर हो जाता है, बट देन ज़रूरी नहीं है कि उससे आपको इफ़ेक्ट हो, उन लोगों को देते हैं जिनको नहीं आता है, ठीक है। देन क्वेश्चन, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। साकिब जी थैंक यू, गुरु दी फतेह। सर, एग वाइट, चिकन ब्रेस्ट एंड वे प्रोटीन कॉज बॉडी हीट, क्या इना च गर्मी हुंदी आ, हुंदी आ, डज इट लीड टू पिंपल ऑन फेस? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस मेनी टाइम बट स्टिल बिकॉज दिस पर्सन इज अ गुड पर्सन आई विल एक्सप्लेन अगेन, राइट, इट्स नॉट अबाउट गुड पर्सन बट इट्स अ गुड टॉपिक। देखो बेसिकली क्या है, हीट प्रोड्यूस नहीं होती है, दीज आर प्रोटीन्स, दीज आर हाई प्रोटीन फूड, हाई प्रोटीन फूड इंक्रीज द मेटाबोलिज्म इन योर बॉडी, इंक्रीज मसल प्रोटीन सिंथेसिस, तो ओवरऑल मेटाबोलिज्म इंक्रीज होगा तो हीट भी इंक्रीज होगी, हीट इंक्रीज होगा तो समटाइम्स बॉडी में गर्मी के साथ स्वेटिंग हो सकती है, उस स्वेट को मैनेज नहीं किया तो पिंपल हो सकते हैं, पिंपल्स आर नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट दिस हीट, वो तो गर्मी के मौसम में भी पिंपल होंगे, आपने हीटर चालू कर दिया पिंपल होंगे, अरे ऐसे थोड़ी कि हीटर की गलती है, द प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ योर स्किन, यू डोंट हैव अ गुड स्किन केयर रूटीन। आप तुसी जाके स्किन केयर रूटीन वाला मेरा वीडियो देखो, उन्हों फॉलो करो, कल समझे वो नाल ठीक हो जाने पिंपल सारे। साकिब जी, रॉबिन जी, हाय, आई एम गुड थैंक यू, इज इट फाइन? आज आपने हमारा वीडियो देखा नया वाला, अंग्रेजी गाना डाला है रॉबिन जी, आपके डिमांड पे तो नहीं है बट फिर भी यू इंस्टाग्राम पे भाई लोगों, जो लोग मुझे फॉलो नहीं करता, एवरीबडी, एवरी गाय, गर्ल, फीमेल, मेल, प्लीज़ गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बहुत कम लोग हैं इंस्टाग्राम पे, अच्छा नहीं लगता उनको इंस्टाग्राम पे dr.paramjeet singh, राइट, गो एंड सर्च मी एंड फॉलो मी। इज इट फाइन टू डू वर्कआउट्स फॉर फैट लॉस अराउंड 11 AM एम्प्टी स्टमक विद 2 कप्स ऑफ टी ओनली, इससे पहले बिल्कुल टाइम नहीं मिलता? येस, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन टू डू वर्कआउट एनी टाइम इन द डे, 2 बजे रात को, 1:30 बजे रात को, सुबह, दोपहर में, बड़ी कड़ी कड़ी दोपहर में 2 बजे, डज नॉट मैटर, जब टाइम मिले तब वर्कआउट करो, रिमेंबर समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ऑब्वियसली खाली पेट सबसे अर्ली मॉर्निंग का बेटर होता है, बट देन दिस इज ऑल्सो गुड, सो यू कैन डू दैट, राइट, हाफ एन आवर, 15 मिनट्स, डांस सेशन कर लो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वर्कआउट, नो प्रॉब्लम। सर जी, कभी कभी सोकर उठने के बाद ऑक्सीपिटल लोब में पेन होता है, ऑक्सीपिटल लोब यानी पीछे का लोब जिनको नहीं पता, ओके, पीछे का लोब मतलब पीछे ब्रेन के पीछे साइड में इनको पेन होता है, ऑलराइट, और 4 से 8 घंटे तक रहता है, क्या हाइपरटेंशन है? नहीं जनाब, हाइपरटेंशन में नॉर्मली यहाँ पे पेन नहीं होता, इतने हाइपरटेंसिव पेन ज़्यादातर यहाँ पे, यार यहाँ पे ऊपर सामने की तरफ या साइड्स में ज़्यादा होता है, सो यू कैन जस्ट चेक योर ब्लड प्रेशर, दैट्स दी ओनली बेस्ट थिंग, मोस्टली यहाँ पे पीछे का जो दर्द होता है स्ट्रेस हेडेक, टेंशन हेडेक होता है, बिकॉज यू कीप योर मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, यू डोंट रियलाइज, आप रियलाइज नहीं करते कि आपने वो किया, लेकिन वो करते हो आप, राइट, मसल स्ट्रेस में रखते हो, सो मोस्ट कॉमन कॉजेज स्ट्रेस हेडेक, हेडेक वाला वीडियो देखो, उसमें समझाया मैंने पीछे वाले हेडेक कौन से हैं, एंड यू कैन जस्ट वर्क ऑन दैट एंड यू विल बी फाइन, राइट, ऑलराइट। प्रीत पिंदा जी नु हाय, अन्नी जी नु थैंक यू, अन्नी जी का थैंक यू, ऑल राइट, देन 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन हो गए हैं। आई हैव 3 डॉटर्स, नाउ आई वॉन्ट टू कंप्लीट माई फैमिली इन शेप ऑफ अ बेबी बॉय, ऑल राइट, प्लीज टिप एंड फूड एंड ट्रीटमेंट। भाई सलाम आपको, मतलब आप मेटल फॉर्म फास्टनर, यू वांट ट्रीटमेंट टू गेट अ बेबी बॉय, मतलब भाई को देखो ऐसा है, मैं बताता हूँ, इसके लिए साधु बाबा है, इसके लिए बिकॉज यू डिजर्व दैट, यू गो एंड गो अराउंड दोज पीपल एंड उनसे जो लाखों करोड़ों रुपए ऐठने वाले लोग हैं उनके पास जाओ, लाखों करोड़ों रुपए दो और फिर भी आपको बेबी बॉय नहीं मिलेगा तो खुश रहो, क्योंकि बिकॉज सी दिस इज़ रॉन्ग, भाई साहब इतना ही बोलूँगा मैं, जो आप सोच है आपकी वही गलत है, राइट, बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, फैमिली आपकी ऑलरेडी कंप्लीट है, एक एक्स्ट्रा है, 2 से ज़्यादा होने नहीं चाहिए बच्चे, फिर भी आपने 3 कर लिया, अब आपको और एक करना है, वो भी बेबी बॉय चाहिए, उसके लिए आपको टिप चाहिए, फूड चाहिए, ऐसी कोई एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ, मतलब कोई खाना नहीं आता, कोई ट्रीटमेंट नहीं आता, कोई दवा नहीं आती, कोई दुआ नहीं आती जिससे कि गारंटीड हो कि बॉय होगा या बेबी होगा, है ना, दिमाग खराब करना है, टाइम खराब करना है, पैसे खराब करना है, कर लो, ऑलरेडी दिमाग तो खराब है ही आपका, क्षमा करिएगा, लेकिन आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स, सॉरी, राइट, प्लीज डोंट थिंक अबाउट एनी अदर बेबी और बॉय और एनी थिंग, 2-3 बच्चे हैं ऑलरेडी, उनको परवरिश अच्छा करो आप अच्छे से। उत्तम खरेटा
10 एग्स में कितने गरम कितने ग्राम ब्रांच चेन अमाइनो एसिड होते हैं? ऐसा है, एग के अंदर ब्रांच चेन अमाइनो एसिड 30% 25-30% होते हैं। तो 10 एग में जितना प्रोटीन है उसका आप 30% ले लो, सिंपल। ठीक, 10 एग मतलब 100 ग्राम अगर अंडे होंगे 10 एग में से, एग हर एक अंडा अलग अलग होता है, एक अंडे में 3-4-6 ग्राम भी होता है डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा लिया। 5 ग्राम अगर कंप्लीट एग है, 3 ग्राम मतलब वाइट है, वाइट पार्ट है, 2.5 ग्राम मतलब वाइट पार्ट है, तो इसके हिसाब से आप 10 अंडों में अराउंड 25 ग्राम होगा अगर वाइट पार्ट लिया, तो 25 ग्राम का 25% ले लो, उसमें BCAA हो गया, समझ रहे हो? ऐसा है। माय ग्रैंडपा एज इज 94, भूख नहीं लगती, ग्रेस बहुत बनती है, जी खराब रहता है। अच्छा, बाय द वे मैंने BCAA पे वीडियो बना दिया है, जाके ज़रूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने व्यूज़ बताइए, आपको सही लगता है, गलत लगता है, और जाके अपने दूसरे जिम ट्रेनर, इंस्ट्रक्टर, यूट्यूब ट्रेनर, यूट्यूब वाले भाई सब लोगों को भी बताइए कि जनाब क्या बोल रहे हो आप, मतलब कुछ तो देखो यार। I mean, that's what I can say. Just follow that and make sure to spread the good words, right? Knowledge है, knowledge को बेहतरीन बढ़ाइए। Grandpa बाऊजी 94 year के हैं गैरी जी के, जिनको भूख नहीं लगती, गैस बहुत बनती है, जी खराब रहता है, मेडिसिन स्टॉप वर्किंग आफ्टर सम टाइम। देखिए 94 की एज में तो यही होगा, 94 की एज में मैं यही कहूँगा कि उनको आप प्रोटीन और क्रिएटिन देना शुरू करो। जी हाँ, जी हाँ, मेरा क्रिएटिन का वीडियो देखो, उसमें बताया हुआ है मैंने कि प्रोटीन एंड क्रिएटिन आर हेल्पफुल इन एनी एज, इन स्पेशली आफ्टर 75, जो कि आपको 30 ग्राम प्रोटीन दिन में दो बार, और क्रिएटिन यू कैन गिव 3 ग्राम्स पर डे इन डिवाइडेड, 1.5 ग्राम सुबह, 1.5 ग्राम साथ में, बहुत बढ़िया इफेक्ट आएगा, ताकत भी वापस आएगी, मूड भी अच्छा होगा, जो थोड़ा बहुत वो उनकी मूवमेंट है वो भी बढ़ेगी, राइट सर। टैन का सोल्यूशन है, नंबर वन इज सिंपल D10, यू कैन डू दैट, राइट, जो कि टेम्परेली मेलेनिन कम कर देगा आपकी बॉडी से। सेकंड सोल्यूशन इज नेचुरल D10s, नेचुरल D10s यार लेमन, नींबू, ब्लीचिंग और दीज थिंग्स, लेमन और क्या नाम है उसका, आलू एंड ऑल, और यू कैन वो सब लगाओगे तो भी नेचुरल ब्लीचिंग हो जाता है। और द बेस्ट सोल्यूशन इज टाइम विल टेक केयर ऑफ योर टैन बाय इटसेल्फ, 6% डी अपने आप निकलता जाता है। भैया टैन कराया है तो D10 करा लो, दैट्स वॉट यू कैन डू, टैन पे वीडियो बनाना पड़ेगा, दैट इज गुड। सुमित जी, सुभरान भरमन जी को हाय, टीना जी को हेलो, और देवेंद्र कांबड़े जी, सर प्लीज़ पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट पे एक वीडियो बनाओ, इवेंट स्कॉट बेंच डेडलिफ्ट, और उसमें डाइट एक्सरसाइज, और आप बोल रहे थे कि एक्सरसाइज करके समझाओगे आप, और कितने दिन में बनाओगे वीडियो? यार टाइम नहीं मिल रहा है, द ओनली प्रॉब्लम इज टाइम, टाइम एंड प्लेस। अब क्या है कि यहाँ पे बैठे मैं एक्सरसाइज कैसे करूँ, ये इशू है। सो हॉस्पिटल, फिर फोन कॉल्स, फिर वीडियो बनाओ, फिर क्लिनिक में पेशेंट्स, इट्स ब्लडी बिजी, आई एम नॉट इवन गेटिंग टाइम टू एक्सरसाइज। बड़ी मुश्किल, हफ्ते में एक दिन एक्सरसाइज करता हूँ मैं, बहुत मुश्किल से, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। सो विल मेक, डोंट वरी, आएगी सब पे बात, और मे बी मैं घर पे ही बना दूंगा, घर पे पीछे मेरा एक काम चलाऊ जिम है, वहीं बनाऊंगा। अल्टीमेटली सी, दोज हू हैव टू जज दे विल जज, बट जो है सो है, जितना टाइम में पॉसिबल है वो कर सकते हैं। हेलो आहूजा जी, हेलो आशीष जी एंड विश्वजीत जी, सर माय एज 20 में इयोसिनोफिलियास, ये है MCV हिपेटाइटिस, क्या है ये, एंड 2 साल पहले था अब, लेकिन HbA1c नेगेटिव है, और कोई टेस्ट की ज़रूरत है क्या? नो, अभी आप कोई टेस्ट मत करिए, आप हर साल अपना हेल्थ चेकअप कराइए, बस, नथिंग एल्स हैज़ टू बी डन। एग्ज़ाम टाइम कैसे पढ़ें कैसे पढ़ें? सी, एग्ज़ाम टाइम पे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कैसे पढ़े, क्योंकि अब ये टाइम नहीं है पढ़ने के, अपनी मेथड बदलने का, ठीक है, अब टाइम है क्या नहीं पढ़े ये सोचने का, रिमेंबर दिस। सो क्या नहीं पढ़े, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है वो मत पढ़ो, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पढ़ो, और इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाफ अपना टाइम पढ़ने पे दो, हाफ अपना टाइम रिविजन को दो, दिस इज़ द स्ट्रैटेजी। जो भी पढ़ो बोल के पढ़ो, आई मीन डोंट चेंज योर वेट सडनली, बट वेन यू यूज़ योर मल्टीपल सेंसेज, आपके माइंड को रजिस्टर जल्दी होता है, राइट, सेंस ऑफ हियरिंग विल बी इन्वॉल्व अगर आप बोलोगे और सुनोगे, बोलोगे तो सुनोगे, राइट, सेम थिंग। सो बोल के पढ़ो, देख के पढ़ो, और साथ में डू थिंग्स अगर आप कर सकते हो उसको फिजिकली सोच के।
ठीक है, नी पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस पे फुल डिटेल वीडियो है, गो एंड वॉच दैट वीडियो, इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी हियर टुमारो, राइट, 10 बजे, राइट. शाहिद जी, राफी जी, ऑस्टियोआर्थ, उसके लिए आप ऑस्टियोआर्थराइटिस बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करिए, वॉच द वीडियो ऑन ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड वॉच द वीडियो ऑन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दोनों में आपको फुल डिटेल सब कुछ मिल जाएगा. हाउ कैन वी रिमूव चिकन पॉक्स स्कार, यू हैव टू डू सम प्रोसीजर्स, राइट, उसके लिए एक्नी स्कार रिमूवल वाले हमारे वीडियोज देखिए. क्या बात है, आज किसी ने वो नहीं किया सुपर चैट, हमें लगा सुपर चैट खेलेंगे आज, कोई भी सुपर चैट नहीं किया. एनीवेज देखते हैं. ओके, ये क्या है? अच्छा, सर मेरी अपर बैक पेन है बहुत टाइम से, टिनिटस है, ये है अपर बैक, बैक पेन के बारे में वीडियोस हैं ऑलरेडी, बैक पेन का वीडियो आप देख सकते हैं. सिस्ट के ऊपर, सिस्ट कहाँ है अमन जी, वी हैव टू राइट दैट. सिस्ट पूरी पूरी बॉडी में हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ओवरी पे हो सकता है, लिवर में हो सकता है, कहीं भी सिस्ट हो सकता है. तो सिस्ट, हाउ टू लूज वेट पे वीडियो ऑलरेडी है, जस्ट वॉच माय प्रोफेशनल टिप ऑन, या वेट लॉस का जो लेटेस्ट वीडियो है वेट लॉस सीरीज का, वो देखो, इट्स वेरी गुड. चलो बढ़िया, 10 सवालों के जवाब ऑलरेडी हो चुके हैं और मैं चलता हूँ थोड़ा सा, कल आके मिलूंगा आपसे 10 बजे के आसपास. सो स्टे ट्यून्ड, और गोकी ऐप पे हमारा आज का लाइव वीडियो स्मोकिंग वाला जरूर देखिए. एंड थैंक यू मिस्टर गेम ऑफ आयरन. आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई लोगों, ऐसा है, देखिए हेल्थ केयर के ऊपर जो वीडियो है ना, मुझे भी डबल चेक करके, फिटनेस के ऊपर जो वीडियो है मुझे डबल चेक करके, ट्रिपल चेक करके बनाने पड़ते हैं, बिकॉज आई एम चैलेंजिंग पीपल, राइट. आप भी समझते हैं, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं जो बैठे हैं आपको BCAA बेचने के लिए, क्रिएटिन सप्लीमेंट्स में ये अच्छा वो अच्छा बताने के लिए, प्रोटीन बताने के लिए कि ये प्रोटीन खाओ वो प्रोटीन खाओ. तो इफ आई हैव टू प्रूव देम रॉन्ग, आई हैव टू मेक श्योर दैट माई रिसर्च इज गुड, राइट. सो इसको, इसमें मेहनत बहुत है, राइट. इसमें टाइम निकाल के उन सब के वीडियोज़ भी देखने होते हैं, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं मुझे भी पता हो, तब मैं जाके आपको बताऊँगा कि ये सही नहीं है भैया, वो गलत है. सो आई डू वॉच देयर वीडियोज़ टू, राइट. ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनके वीडियो मिस यू क्यों, मिस यू क्या होता है. कहीं नहीं जा रहा मैं. अच्छा, मुझे बहुत बहुत इचिंग होती है. इचिंग कहाँ होती है? देखिए, इचिंग होती है तो यू माइट बी हैविंग ड्राई स्किन, फंगल इन्फेक्शन. थोड़ी फंगल इन्फेक्शन की वीडियोज़ हमारे देख लो, एक एंटी फंगल क्रीम लगा लो, आप वहाँ ड्राई स्किन मत रहने दो. इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे वीडियो है मिस्टर बॉक बायो वर्ल्ड, एंड डोंट वरी. जॉकिच प्रॉब्लम इज सेम, इचिंग, जॉकिंग इज अगेन अ फंगल इन्फेक्शन. यू जस्ट नीड एंटी फंगल ट्रीटमेंट, राइट. दवा लगा के देखो, उससे नहीं हुआ तो ओरल खाना पड़ेगा. क्या है प्रॉपर वे टू टेक मेडिसिन, हाउ मच लेटर बिफोर मील, वाई नॉट टेक मेडिसिन विथ फुल वीडियो. अच्छा, छोर इस पर कोशिश करेंगे, बनाएंगे इसका वीडियो. गुड गुड. SGPT 75, डोंट वरी, जस्ट टेक लाइट फूड, ड्रिंक मत करो. ईट मी सिटी, ईयर में सिटी, क्या ईयर में, अच्छा ईयर में सिटी, टिनिटस के लिए ENT डॉक्टर को दिखाओ, ENT स्पेशलिस्ट को. सिल्डेनाफिल 100 मिलीग्राम लेने पे क्या होगा? खड़ा रहेगा बहुत देर तक, और क्या. सुपर्ब सर, और हाइड इफेक्ट हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, और दिक्कत हो सकती है. ऑलराइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक्स गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑलराइट. बहुत मज़ा आता है आप सबके भी कमेंट्स भी मैं पढ़ता हूँ, बट दे नहीं पाता मैं जवाब. सो बाय द वे, अगर कोई इधर रहता है इंद्रपुरम साइड एंड ऑल, एंड IT में हो, आई एम लुकिंग फॉर असिस्टेंट, राइट. देखिए अगर कोई है तो अप्रोच मी, राइट. ऑलराइट, चलो. अरे असिस्टेंट मतलब ऑनलाइन तो नहीं कर सकते, समबडी हु कैन कम टू माय प्लेस एंड वर्क फ्रॉम देयर, राइट. पार्शियल वर्क जो भी है ना, सो दैट यू नो थोड़ा मेरा स्ट्रेस कम होगा कि मैं वीडियोस बना दूंगा, थोड़ा बहुत वो व्हाटएवर वर्क ही कैन डू और शी कैन डू, विल बांट के काम कर लेंगे, राइट. चलो, ओके, बाय, सी यू गाइस टुमारो, कल मिलते हैं, और जय हिंद जय भारत. और हम बिल्कुल दिल्ली तो आते ही रहते हैं यार, दिल्ली तो हम ऑलमोस्ट हर हफ्ते आते हैं, राइट. एवरी ऑलमोस्ट संडेज को मैं बंगला साहब आता हूँ, राइट. सो अगर आप
मिलना चाहते हैं तो आप संडे बंगला साहब आ सकते हैं। अब वो संडे को, इस संडे को आऊँगा कि नहीं आऊँगा अभी कह नहीं सकता, बट अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं तो मैं बता दूंगा इंस्टाग्राम में लाइव दे दूंगा अपना कि मैं बंगला साहब में हूँ, कब हूँ, क्या हूँ। सो यू कैन कम एंड मीट मी देयर, राइट। और मैं नहीं कह रहा इस संडे आऊँगा बिकॉज डॉक्टर का कुछ टाइम का पता नहीं होता। ऑलराइट, बाय, सी यू, गुड नाइट। हाँ, ये गलत है यार, वो 83 लाइक्स मतलब 40 लाइक्स, लोग लाइक नहीं करते है ना, लाइक करके जाना, ओके, दिस इज सो बैड, ओके ओके, बाय बाय। क्लिनिक का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया है, लव स्टाइल, एवरीथिंग इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, है ना।